17 अगस्त से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा को लेकर इंदौर में बीजेपी नेता और आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी एवं भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने एक प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह विपक्ष ने नए मंत्रियों को संसद भवन में परिचय नहीं होने दिया, जिसके चलते आम जनता में अच्छा संदेश नहीं गया, इसी के उद्देश्य को लेकर भाजपा संगठन ने यह तय किया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आशीर्वाद यात्रा निकालकर आम जनता का आशीर्वाद लेंगे। यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को देवास से की जाएगी, जो कि देवास, शाजापुर, इंदौर और खरगोन में आयोजित की जाएगी। आम जनता का आशीर्वाद लेते हुए खरगोन की यात्रा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर आम जनता का आशीर्वाद लेंगे। वहीं पत्रकार वार्ता में आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी के साथ शहर नगर अध्यक्ष गौरव रणधीवे भी मौजूद रहे। सतपंथ में देवी अहिल्याबाई के जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबको नाग पंचमी के पवित्र पर्व की दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज की पत्रकार वार्ता में आप सबको एक बार मैं पुनः इंदौर के मीडिया का नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं आप सबको। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में किए गए मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 मात्र शक्ति को प्रतिनिधित्व मिला है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश में 15 प्रधानमंत्री हुए पर किसी ने भी पिछड़ा वर्ग समाज की चिंता नहीं की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार 27 पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर पिछड़ा वर्ग का सम्मान बढ़ाया है। पहली बार मोदी जी के मंत्रिमंडल में भारत की एकता की झलक परिलक्षित दिखाई देती है। इस पुनर्गठन के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं दो नए मंत्रियों के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र खटीक एवं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा में विपक्ष ने अपनी हठधर्मिता के चलते हुए इन सम्मानीय मंत्रियों को सदन में परिचय नहीं होने दिया, इसलिए अब ये सभी सम्मानीय मंत्रीगण आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच ये 3 दिन इंदौर, देवास, शाजापुर और खरगोन में चलने वाली है। इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री धार्मिक स्थलों, संत महात्माओं, शहीद लोकतंत्र सेनानियों से आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा विभिन्न समाजों के कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा प्रबुद्धजन, कलाकारों, साहित्यकारों, खिलाड़ियों से भेंट करेंगे। इसके अलावा विभिन्न महापुरुषों की स्मारकों पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को प्रातः 9:45 पर इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां इंदौर भाजपा के कार्यकर्ता अपने लाडले नेता का जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इसके बाद ये आशीर्वाद यात्रा देवास से प्रारंभ होगी, इसी दिन ये यात्रा शाजापुर पहुंचेगी। 18 अगस्त को आशीर्वाद यात्रा खरगोन जिले में पहुंचेगी, जहां रावेरखेड़ी में बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भाग लेंगे। 19 अगस्त को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आशीर्वाद यात्रा इंदौर पहुंचेगी, जहां सिंधिया जी के स्वागत के लिए
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गुरन रणदेव जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तैयारी की है। सिंधिया जी की यात्रा चार जिले देवास, साजापुर, खरगोन और इंदौर से होकर गुजरेगी। माननीय सिंधिया जी की यात्रा देवास, साजापुर, खंडवा और खरगोन और इंदौर के चार लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। देवास की जो आशीर्वाद यात्रा है, श्री सिंधिया जी की आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त मंगलवार को देवास के छिपरा में भव्य स्वागत कर उनकी अगवानी की जाएगी। श्री सिंधिया देवास में इस अवसर पर माँ चामुंडा टेकरी पर दर्शन कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सिंधिया इसके बाद इंडस्ट्रियल स्पोर्ट पार्क का अवलोकन करेंगे। देश के प्रसिद्ध साहित्यकार राजकुमारी राजकुमार जी चंदन व शास्त्रीय गायक सुश्री कोमकली गंधर निश्चित रूप से जनता के बीच में जाएंगे। आप भी हमारे साथ में रहेंगे और जनता उनका जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। हमारा आशीर्वाद बना रहे उस्ताद बहुत है। और आप नारदन ने देखी है, वहाँ उनका पर्चे होता है। देश की संसद में जब वे जीत कर जाते हैं उनका पर्चे होता है, उनका पर्चे नहीं होने देते कांग्रेस और विपक्ष के लोग। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि क्या करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन की योजना से जनप्रतिनिधियों का ये कार्यक्रम बना है। सभी हमारे 43 केंद्रीय मंत्री इसमें हैं, वो अपने अपने प्रदेश में जिले में संगठन की योजना से जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में जनता को बताएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हजारों कार्यकर्ता जुटाए जाएंगे, आपको नहीं लगता है कि अनुचित है इस समय? मैं देखिए, ऐसा है कि इसके लिए जो कोविड गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से हम लोग पालन करेंगे और उसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेंगे। नहीं, आप खुद इसकी जवाबदारी ले रहे हैं कि कोरोना काल में ये जो रैली निकलेगी और स्वागत यात्रा होगी उसमें कोई भी बिना मास्क के नहीं घूमेगा? देखिए, कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से हम लोग पालन करेंगे और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ये हमारी यात्रा अनुशासित तरीके से निकाली जाएगी। छिंदवाड़ा जा रही है क्या यात्रा? छिंदवाड़ा जाएगी? देखिए, अभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठे पूरी तरीके से निराधार है। इतना बड़ा कोविड अपना कोरोना का है, जहां देखे कांग्रेस के लोग कहीं सेवा करते हुए, केवल अगर सेवा ही संगठन के माध्यम से, चाहे इंदौर हो, मध्य प्रदेश हो, देश में केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही समाज की सेवा करते हुए संकट के समय में दिखा हुआ है। हर समय राजनीतिक चश्मे से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो हर विषय के ऊपर बहस कराना चाहती है, सदन में मौका देती है, करना का चाहते हैं, भागना चाहते हैं पूरी तरीके से। और जो कांग्रेस का हश्र हो रहा है वो पूरा देश की जनता के सामने। सर, कमलनाथ कह रहे हैं कि चार दिन विधानसभा चलाई और बीजेपी जो है हर मामले को छुपाना और दबाना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी विषय को दबाना चाहती है तो आज इस प्रकार से लगातार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। केंद्र में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम खुद सदन की जो परंपरा है उसका पूरी तरीके से पालन होता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे बचती है। कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से उससे बचने का प्रयास करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, वो नहीं चलेगा। और जन जो हमारी ये आशीर्वाद यात्रा होगी और उसमें जिस प्रकार से स्वागत होगा वो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश देगा कि समाज और जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।